जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जेपीएससी अभ्यर्थी कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, ये स्टेट लाइब्रेरी से लेकर फिरायलाल तक पहुंचे हुए हैं और लगातार पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तख्ती लेकर पहुंचे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है 7 जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करो। ये लाइव तस्वीरें आप राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक से देख रहे हैं, जहां ये सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। लाइव तस्वीरें आप शहीद अल्बर्ट एक्का चौक से देख रहे हैं। जो जेपीएससी अभ्यर्थी है वो लगातार पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के तहत आज ये कैंडल मार्च स्टेट लाइब्रेरी से रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला गया है। जब लगातार नारेबाजी सुन सकते होंगे जेपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा। कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, उससे पहले आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या संदेश देने की कोशिश जी? संदेश तो यही देना है कि ये देखिए आप जो भीड़ देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं भीड़ दिखाना चाहती हूँ, कितने सारे लोग अग्रीव्ड हैं और सब सारे लोग सामने आए हैं। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ कल जो हमारा महाधरना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बढ़ चढ़ के सामने आइए और अपनी एकता का प्रदर्शन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए और राज्य का भविष्य सुधारिए। सरकार पर दबाव बना है इसके वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, दबाव बना है, बहुत बड़ा दबाव बना है और मुझे यकीन है कि कल के महा आंदोलन से और भी दबाव बनेगा और डेफिनेटली एग्जाम रद्द होगा। कितना प्रभावी रहेगा कल का आंदोलन? मुझे तो लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत प्रभावी रहेगा। हम तकरीबन उम्मीद करते हैं कि 5-7 हज़ार कैंडिडेट्स हाजिर होंगे, अपनी एकता का परिचय देंगे और ये एग्जाम रद्द करवाएंगे। जी नहीं, समाप्त नहीं हुआ था आंदोलन, समाप्त नहीं हुआ था आंदोलन की वजह से, कट ऑफ जारी हुआ था और आंदोलन की वजह से ओएमआर शीट जो गायब हुआ है उसके भी एक्सेप्टेंस हुआ इसी आंदोलन की वजह से। इसीलिए इस आंदोलन में हमें पूरा भरोसा है, कल के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, सामने आइए, अपनी बात रखिए।
और ये एग्जाम रद्द करवाइए। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ जेपीएससी और जेएससी के ही स्टूडेंट नहीं आएंगे, राज्य के जितने बेरोजगार युवा हैं वो भी इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि पूरा बेरोजगारों का मामला है। सारे बेरोजगार युवा यहाँ पर आएंगे, हमारे साथ देंगे, इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। यहाँ पर कोई वैकेंसी कंप्लीट नहीं होता है, चाहे ग्रुप सी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे जेपीएससी का बात हो, जितनी भी अभी तक वैकेंसी 4-5 साल से नहीं आया है, और जो भी आया है पेंडिंग है ना। जेपीएससी का पीटी परीक्षा जो है उसमें भी देख रहे हैं लगातार क्रम वाइज, मतलब 34-35 स्टूडेंट पास हो गए हैं, सो दिस इज नॉट राइट थिंग, है ना। तो मैंने झारखंड सरकार कुल मिलाकर के भाई भतीजावाद और सीटें बेचती है, और यहाँ का चेयरमैन भी है ना, ये पूरा करप्ट है, और मेरा संस्था ही पूरा ये करप्ट कहा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग भी है ना अभ्यर्थी है? जी सर, आंदोलन में भाग लेंगे? आंदोलन में भाग, आंदोलन लगातार रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आए दिन दिन प्रतिदिन नई नई गड़बड़ी जेपीएससी में नजर आ रही है, जो कि न्यूज पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हमारे सामने उजागर हो रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि इस मुहिम को अधिक से अधिक अपील करके हमारा सहयोग करें और छात्र को मजबूती प्रदान करें। चलिए अभिजीत भैया, महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दिया था क्या? ऐसा नहीं है, महिला अभ्यर्थी भी दिए थे। पीछे में है महिला अभ्यर्थी, पीछे में है, ऐसा नहीं है कि महिला अभ्यर्थी नहीं दिए। अरे नहीं, जब लाठी खा के आए हैं तो आप क्या डरना? परिवार वाले से डर रहे हैं? अरे नहीं, परिवार वाले से भी क्यों डरेंगे, अब तो परिवार वालों को भी साथ में लाए हैं, कल देखिए ना, कल रहेंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल, महिला आप लोग रहिएगा। हाँ रहेंगे, संख्या बहुत कम है महिला अभ्यर्थियों का प्रदर्शन में। हम लोग सब जाएंगे लाइब्रेरी पूरा उठ के। कितनी संख्या आप लोग महिला अभ्यर्थियों की? 500 है यहाँ लाइब्रेरी में। और यहाँ कितने हैं? लाइब्रेरी में 500 है, लेकिन यहाँ 3-4 ही दिख रही है। 3-4 थोड़ी है, बहुत है। उधर है, पीछे पीछे जाके देखिए आप, वो साइड में हो जाइए। तो पीछे है महिलाएं, ऐसा कहना इनका, देख लेते हैं, उनसे ही बात करते हैं। यहाँ पे है कुछ कल के आंदोलन में आप लोग रहेंगी शामिल? रहेंगे। आप लोग दिखाई नहीं देती है, 2-4 महिलाएं आगे हैं, बाकी सब पीछे हैं, डर लगता है आप लोग? कैंडल जलाने गए थे, बस कैंडल जलाने के लिए आए थे, पर आंदोलन में शामिल नहीं है आप लोग? शामिल है, आंदोलन में शामिल है। आप आगे रहना चाहिए ना, सब आगे थे, पीछे से निकले थे ना, इसलिए आगे नहीं आ पाए। तो कल आप लोग दिखाई देंगी? हाँ दिखाई देंगे। आप बोलिए, कल आप रहेंगे? देंगे। आप लोग दिखाई नहीं देती हैं आंदोलन में? कल दिखाई देंगे जरूर। तो कल पक्का दिखाई देंगी ना, इतनी संख्या रहेगी कि और? संख्या का तो नहीं पता, हम तो रहेंगे, मतलब रहेंगी। तो कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे और भी है। अच्छा, हर बार महिलाओं की भागीदारी की बात उठती, देखिए वो कैसे भाग रही है, देखिए कैसे भाग रही है। अरे नहीं, ये देखिए लाइव तस्वीरें हैं, लाइव देख रहे हैं आप, ये देखिए कैसे भाग रही हैं। ऐसे भागिएगा, सुनिए बोलिए, ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कैसे भाग रही हैं। जेपीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही है, इसमें महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी दोनों शामिल है, लेकिन कुछ महिलाएं जो है बात करने से इनकार कर दी और यहां से निकल चली। पुरुष अभ्यर्थी उनसे ही बात करते हैं। कल का आंदोलन कितना प्रभावी रहेगा? कल का आंदोलन कितना प्रभावी रहेगा ये तो कल ही पता चलेगा आपको। पिछले बार भी हुआ था, जिसे लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद वहां से आप लोग तितर बितर हो गए, कल भी इस तरह से ही होगा क्या? आपने कभी सरकार से इस बारे में पूछा है कि लड़का लोग क्यों रोड पे आया? आप हमेशा स्टूडेंट से पूछते हैं, चीज़ हमेशा आपका देखते हैं, न्यूज़ हर न्यूज़ चीज़ देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। आपने कभी जाके सरकार से पूछा है कि लड़का लोग क्यों रोड पे है, क्यों है पूछा? मैंने जगन्नाथ महतो से बात किया था, उस वाले वीडियो को आपने देखा था जिसमें मैंने पूछा था जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर है, प्रदर्शन करा जा रहा है, नियुक्ति वर्ष का घोषणा किया था आपने, नियुक्ति वर्ष आपका सफल नहीं हो पाया, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा था क्या? उसमें सारा बात था। एक तो सरकार यहाँ 4-5 साल में इतना लेट लेट से एग्जाम लेती है,
कि सरकार का जो एग्जामिनर होता है वो खुद क्वेश्चन के आंसर भूल जाता है। तो हमारी बातों पर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम ही लोग जो है आप लोग का बात दिखाते हैं। बात सवाल से पार्टिकुलर नहीं बोला जा रहा है, आपको सरकार से ये मांग शुरू से अभी तक किया जा रहा है। एक बार सरकार कहता है कि गलती हो गया, जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी कहते हैं कि गलती हो गया, इससे रिजल्ट आया, फिर बोलता नहीं नहीं हुआ, फिर उसका आंसर कैंसिल करता है। क्या करना चाहता भाई, क्लियर करें। आप लोग जिसे आंदोलन चल रहा है लगातार, लेकिन बापू वाटिका के समक्ष जो है 10 से 15 लोग ही दिखाई देते हैं। जब इतने लोग हैं तो आना चाहिए स्टेट लाइब्रेरी में, जो इतने लोग आंदोलन के लिए आए हुए हैं, कैंडल मार्च के लिए पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं बड़ी संख्या में पहुँचे? देखिए सर, शुरू शुरू में बापू वाटिका में ही हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे हजारीबाग, पलामू, 24 जिला में धीरे धीरे शुरू हुआ। रांची से स्टार्ट हुआ लेकिन 24 जिला में हो रहा, पूरा झारखंड में होगा अगर इसको कैंसिल नहीं किया जाता है तो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीधी सी बात है, इसको रद्द किया जाना चाहिए। रद्द कीजिए तभी कुछ सॉल्व होगा, बिना रद्द के हम लोग मानेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं लगातार, रेगुलर हैं क्योंकि संख्या बहुत सीमित रहती है और इस वजह से ही प्रॉब्लम आता है। मानते हैं इस चीज को? सीमित नहीं रहता, जिस दिन लाठी चार्ज हुआ था उस दिन आप थे। कितना संख्या? जितनी संख्या, मैं वही बोल रहा हूँ कि जितनी उस दिन संख्या थी, लगातार आप लोग का धरना प्रदर्शन बापू वाटिका के समक्ष जारी है, 14-15 लोग ही रेगुलर दिखाई देते हैं, और लोग कहाँ? क्योंकि प्रभावी तब होता है जब आपका रेगुलर हो, क्योंकि एक दो दिन गणतंत्र है, गणतंत्र प्रभावी कल दिखेगा आपको, कल दिखेगा आपको। कितनी संख्या रहेगी? अब तो कल ही पता चलेगा, अब देख लीजिएगा। कल का आंदोलन जो है बहुत प्रभावी है, ऐसा रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। सही और गलत मांग के लिए भीड़ दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, एक आदमी काफी रहता है जो दिख रहा है आपको, हमको, हर किसी को, लेकिन करना जरूरी है। आगे हर एग्जाम में इस चीज हुआ है, आगे भी होना जरूरी है। सरकार तक बातें पहुंच जाएगी, आप ही का काम है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहुँचाइए इसको। जी बहुत। चलिए, तो कल का आंदोलन बृहद तरीके से होगा ऐसा इनका कहना है। विभिन्न जिलों से लोग यहाँ कल पहुँचेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये आज निकले हुए थे कैंडल मार्च के लिए, और अब जो है राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक के पास इनका कैंडल मार्च पहुँचा, और अब यहाँ परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर यहाँ कैंडल जलाया जा रहा है। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में कैंडल यहाँ पर जलाया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे और यही मांग कर रहे थे कि बीटी परीक्षा जल्द से जल्द रद्द हो। इस तरह के सारे अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलता रहेगा। हमारे चैनल और फेसबुक पेज के वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और हमसे लगातार जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।